चार धाम यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, जहां पर लोगों को कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा को पहुंचे। हालांकि इस यात्रा का एक सह पहलू भी हमारे आपके सामने उभर कर आया है, और वो है इस यात्रा के दौरान 106 लोगों की मौत का और सैकड़ों लोगों का गंभीर रूप से बीमार पड़ना। चार धाम की यात्रा इतनी मुश्किलों भरी होती है कि लोगों का शरीर तकलीफों का सामना नहीं कर पाता है, और ऊपर से सुविधाओं की कमी की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और जो सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं वो कुछ इस तरह का है कि भारतीय लोगों की मानसिकता बड़ी ही खराब होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जब इनके पाप का घड़ा भर जाता है तब ये चलते हैं तीर्थ यात्रा पर, और वहाँ पहुँचने के लिए इनका शरीर काम लायक नहीं होता, क्योंकि तब इनको कई बीमारियाँ अपने आगोश में ले चुकी होती हैं। ऊंचाई और कई तरह की मुश्किलें श्रद्धालु बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। और हम आप सभी जानते ही हैं कि सरकारी लापरवाही कितनी बड़ी होती है, जो ऊपर से सोने पर सुहागा होने का काम करती है, जो मौत में बढ़ोतरी के आंकड़ों को और बढ़ा देती है।